कि ये नौकरियां केवल ते केवल पंजाब दे बेरोजगार जिहड़े बच्चे ने नौजवान ने ये उन्हां वास्ते राखवियां रखियां जाण। यार दिल्लियों काफी हद तक चल रही है तो यह ना हो 25,000 विचों 5-7-10,000 जिहड़ा नौजवान वो दिल्ली की सरकार कुछ इस तरह की शर्त इत्थे इनसर्ट करा दे एडवर्टाइजमेंट दे विच कि वो दिल्ली के लोग नौजवानों को दिल्ली के लोगों को नौकरी मिल जाए भावें वो साडे देश दे ने कि तुसीं इश्तिहार दे रहे हो सारिया अखबारों के कि बजट बनाने दे विच सानू सहायता दिओ बजट बनाने दे विच सानू सहयोग दिओ कि जो राज्यसभा के 5 मैंबर बनाने से पंजाब चो उदों तां किसी की सलाह मंगी नहीं बड़ी वैलिड जी आर्गूमेंट से क्योंकि अक्सर देखा गया वा कि जो भी कोई सरकारी नौकरी निकलती पंजाब दे विच तां जिहड़े गवांढी सूबे के नॉन पंजाबी लोग ने बड़े आराम दे नाल चकमा देख के माड़ा मोटा अपना जिहड़े कागज पत्र पूरे करके ते वो नौकरियां ले जांदे इश्तिहार जारी करती सरकार उहदे च उहो शर्त नहीं रखते वह है शर्त डोमिसाइल पंजाब दी यानी कि पंजाब का बछिंदा होना बहुत जरूरी है या तुसीं फैसला किया कि आटा असी 5 किलो हर परिवार को हुण पीस के सरकार देवेगी और उहदे ते 670 करोड़ रुपए का खर्चा आने लग्या वा फिर इहदा भी पुछ लैणा सी लोगों को कि तुहानूं आटा चाहिए वा कि तुहानूं कणक मिलती उही चाहिए है। दोस्तों अज मैं तुहाडे नाल एक अहम इशू जो नौजवानों दीआं नवीआं नौकरियां कढ़ियां ने भगवंत मान की सरकार ने उहदे बारे तुहाडे नाल चर्चा करनी थोड़े जिहे चंद दोस्त होर अगर जुड़ जाण नाल तो फिर अपनी गलबात आपां शुरुआत करदे छोटी रखांगे गल दो छोटे छोटे होर मुद्दे ने जिहड़े आपां इहदे च अज चर्चा करांगे लाइव च। सो आपां गल करदे आ शुरुआत जिहड़ियां लगभग 25,000 नवीआं सरकारी नौकरियां कढ़ियां ने पंजाब सरकार ने उहदे च मेरी अपील है भगवंत मान नूं चीफ मिनिस्टर साहब नूं कि ये नौकरियां केवल ते केवल पंजाब दे बेरोजगार जिहड़े बच्चे ने नौजवान ने ये उन्हां वास्ते राखवियां रखियां जाण क्योंकि अक्सर देखा गया वा कि जो भी कोई सरकारी नौकरी निकलती पंजाब दे विच तां जिहड़े गवांढी सूबिआं दे नॉन पंजाबी लोग ने वह बड़े आराम दे नाल चकमा देख के माड़ा मोटा अपना जिहड़े कागज़ पत्र पूरे करके ते वह नौकरियां लै जांदे ने। हाल ही विच मैनू बकायदा तौर पर डाटा भेजा सीगा जिहड़े 716 PSPCL दे विच नौकरियां दित्तियां गईआं बिजली बोर्ड दे विच उन्होंने मैनू बकायदा तौर पर पूरी लिस्टां भेजीआं उहदे चों 40% दे करीब जिहड़े बच्चे सीगे वह गैर पंजाबी सी मतलब शायद हरियाणे दे सी हिमाचल दे सी या राजस्थान दे सीगे क्योंकि जिहड़ी शर्त रखी जानी चाहीदी सरकारी नौकरी वेले उहदे च जदों इश्तिहार जारी करती सरकार उहदे च उहो शर्त नहीं रखते वह है शर्त डोमिसाइल पंजाब की यानी कि पंजाब का बछिंदा होना बहुत जरूरी है नंबर एक ते पंजाब की जिहड़ी 10वीं जमात या 12वीं जमात या ईवन ग्रैजुएशन उहदी पढ़ाई भी पंजाब के स्कूल चो ते पंजाबी मीडियम स्कूल दे विचों कीती होनी लाजमी चाहिए मतलब कि पंजाबी भाषा उसनों उसका सर्टिफिकेट उहदे कोल होना चाहिए 10वीं का होवे प्लस 2 का होवे या वटएवर जिहड़ी शर्त है नौकरी की उहदे नाल की होगा कि 25,000 नौजवान पंजाब का उहदे वास्ते एक उम्मीद ते आस की किरण ते राह खुलेगा क्योंकि आपां सारे चर्चा करते हैं कि पंजाब के लोग जिहड़े ने पंजाब के नौजवान मायूस होकर विदेशों में नौकरियां लभण लई जिंदगी बिताने वास्ते उत्थे धड़ाधड़ जा रहे हैं जहाजा के जहाज भर के जा रहे हैं ਪਲਾਥਰ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘਰ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਖਾਲੀ ਨੇ ਬਲਕਿ ਹੁਣ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਰ ਆਪਾਂ 25,000 ਕਾਫੀ ਨੌਕਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕੱਢੀ ਆ ਔਰ ਅਗਰ 25,000 ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 4-5 ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ 25,000 ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਨੌਜਵਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ चाहे वह किसी वर्ग का वा चाहे वह किसी बरादरी का चाहे किसी धर्म का वा वो सारे साडे बच्चे ने साडे पंजाब दे होनहार लोग ने उन्होंने सरकारी नौकरी दिती जाए बस यही मेरी हथ जोड़ के निम्रता दे नाल भगवंत मान चीफ मिनिस्टर नूं अपील है क्योंकि जिहड़ी अफसरशाही हुंदी ना वह जदों इश्तिहार जारी करदे उहदे च बड़े हुशारी दे नाल लिख लैंदे कि पिछले 3 सालों तो पंजाब विच रहिंदा होवे 10वीं पंजाब चों कीती होवे कुछ लोग या यह भी कह दिंदे ने कि असीं तुहानूं नौकरी दे दिंदे लेकिन उहदे एक साल या 1.5 साल के अपनी 10वीं पंजाबी दे विच जिहड़ी आ भाषा दे विच ओह कर लो इहदा मतलब तुसी चोर राह दे रहे हो लोगों नूं कि वह आण के हरियाणे दे हिमाचल दे ते राजस्थान दे लोग जाके सरकारी नौकरियां हुण तां सानूं इह वी बड़ा वड्डा खदशा क्योंकि हुण सरकार दिल्लियों काफ़ी हद तक चल रही है तो यह ना हो 25,000 विचों 5-7-10,000 जिहड़ा नौजवान
ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਇੱਥੇ ਇਨਸਰਟ ਕਰਾ ਦੇਵੇ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਨੇ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਇਸ ਵਕਤ ਬਹੁਤ ਤਰਸਯੋਗ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਨੰਬਰ 1 ਦਾ ਸਟੇਟ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਉਹ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਆ ਸਾਡੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਰਹੀ ਆ ਸਾਡੇ ਮਾਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਹੀ ਆ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨੈਂਸ ਨਹੀਂ ਅੱਛੀ ਰਹੀ इस करके जिहड़े पंजाब दे लोग बहुत मायूस हो गए ते विदेशां नूं भज रहे ने सो मैं उम्मीद करदा वां कि जिहड़े भी अफसर इस ऐड जारी करनगे और भगवंत मान चीफ मिनिस्टर अगर आप थोड़ी जी पर्सनल इंडलजेंस कर लेंगे तो फिर ये नौकरियां जिहड़ियां साडे सत्कारयोग 25,000 नौजवानां दे घरां विच जाण दी पूर्ण आस आ मैरिट ते होनी चाहीदी आ कोई सिफारिश नहीं होनी चाहीदी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट इंप्लॉयमेंट जिहड़ियां ऑपरचुनिटी सारयां नूं नौजवानों को मिलनिया चाहिए। एक तो मेरा अज का मसला यही सीगा। दूसरा मैं कहना चाहना कि अज तुसी अखबारों च पढ़ लिया होना कि शायद मलौद पिंड आ लुधियाने जिले के उत्थे दलितों ने प्रोटेस्ट किया कि जिहड़ी 1/3 पंचायत की जमीन सी वह दलितों वास्ते रखी गई सी 2018 की पिछली सरकार की पॉलिसी सी जिहड़ी कि इस सरकार ने पता नहीं किस तरह हो गया उन्होंने आण के स्क्रैप करती वह पॉलिसी ऑल्टर करती कि दलितों वास्ते पंचायतों दी जमीन राखवियां रखनियां कोई जरूरी नहीं है। हुण शोर मचिया होया वा शायद सरकार इस नूं ठीक कर दे तो मेरी यह भी अपील है सरकार नूं कि यह गरीब वर्ग आ साडे समाज दा इन्हां दी आबादी भी बहुत पंजाब दे विच अगर सरकारी पंचायत दीआं जमीनां विच यह वाही कर लैणगे तां इन्हां परिवारां दे पालन पोषण दा इन्हां दी जिंदगी दा साधन वी बणेगा। सो सरकार नूं मेरी बेनती है कि जिहड़ा यह रिव्यू करो जिहड़ा तुसीं फैसला यह गलत कर चुके हो कि 1/3 जिहड़ियां पंचायत दीआं जमीनां ने उहदे च दलित पॉपुलेशन नूं वाई करन वास्ते उन्हां दे वास्ते उन्हां नूं भावां बोली ते दित्ती जावे कंपीटीशन कराया जावे क्योंकि लॉ कहिंदा सीगा कि जे 5 परिवार इकट्ठे हो के किसी पंचायत विच जाके बोली देण तां पहल दे आधार ते उन्हां नूं जमीन दलित परिवारां नूं दित्ती जावेगी। थर्ड अज मैनूं किसी ने ऑडियो भेजी मैं अपने पेज ते शेयर कीती होई है बड़ा सादी जी जबान च इक नौजवान पंजाब दा कह रहा कि तुसीं इश्तिहार दे रहे हो सारियां अखबारां दे विच कि बजट बनाउण दे विच सानूं सहायता दिओ बजट बनाउण दे विच सानूं सहयोग दिओ तो उस व्यक्ति ने कहा उस व्यक्ति ने कि बजट बनाने में तो तुम सारे की सलाह मंगन लग गए कि जो तो राज्यसभा के 5 मैंबर बनाने से पंजाब चो उदों तो किसी की सलाह मंगी नहीं बड़ी वैलिड जी आर्गूमेंट सी। और दूसरा उन्हें भी कहा कि जेडे लोग पिंडां च खेती करते हैं किरती ने कामे ने मजदूर ने बेचारे कितने तुम ऑनलाइन जाके ईमेल लभ के तुम सलाह देंगे ये जरा बजट बनता है आर्थिक माहरां का काम हों जे इकोनमी बहुत अच्छी तरह समझते मैं भावा रीजनेबल मेरी एजुकेशन हैगी पर मैं इकोनॉमिक्स पूरी समझ नहीं आती बहुत सारे साडे फाइनैंस मिनिस्टर्स इस तरह के बनते हैं पंजाब जिहड़े इकोनॉमिक्स तो वांझे हुंदे ने उन्होंने पूरी डिटेल क्योंकि ये बहुत फिस्कल डेफिशिट रेवन्यू डेफिशिट कितों पैसा आना कितने पैसा जाना चाहिए डिवेलपमेंट लिए किन्ने पैसे लगने ने किन्ना व्याज असी भरना वह सारा बहुत कंपैरिजन करके पिछले बजट्स नूं एनालाइज करना कि कितने गलतियां हुई ने तां बजट बनाया जाता ठीक है तुसीं करता लोगों ने कुछ लोग शायद शहरों में बैठे जिहड़े कंप्यूटर सैवी ने जिहड़े समझते हैं सारी गल नूं शायद तो तुहानूं सलाह भी दे देण पर इन्ना पैसा इश्तिहारां ते जाया करके पेंडू तबके के पिंडां दे लोकां तों कित्थे तुहानूं बजट विच तुसीं तो फिर यह भी लाण लिया करो कि राज्यसभा दे मैंबर बनाउणे जदों कि लोको सलाह दिओ कि किहड़े 5 बंदे पंजाब दी राज्यसभा पंजाब चों राज्यसभा विच जाने चाहीदे जां तुसीं फैसला कीता कि आटा असीं 5 किलो हर परिवार नूं हुण पीस के सरकार देवेगी और उहदे ते 670 करोड़ रुपए का खर्चा आउण लग्गा वा फिर इहदा वी पुछ लैणा सी लोगों नूं कि तुहानूं आटा चाहीदा वा कि तुहानूं कणक मिलदी उही चाहीदी है क्योंकि मेरा मनना कि 15 किलो कणक मिलदी सी 3 महीनों बाद वह कणक नूं बंदा स्टोर करदा सी जिन्ना उहनूं आटा चाहीदा सी पसवा लैंदा सी क्योंकि आटा आटे नूं स्टोर करना बहुत औखा वा सुसरी पैंदी आ होर कई चीज़ां पैंदियां उहदी पोषकता घटदी आ ते ताज़ा आटा पीसिया जदों कोई फ्रैश फलार खांदा वा ते उहदी पोषकता ते उहदी न्यूट्रिशन वैल्यू जी कित ज्यादा होंगी है। सो यह फैसला मेरे हिसाब से गलत है और 670 करोड़ रुपया जाया उदो कर लगे हैं जो साढ़े 3 लाख करोड़ रुपया जरा किसी ने मंगया ही नहीं किसी पंजाब के बछिंदे ने नहीं कहा कि सू कणक की जगह पर आटा चाहिए यह फैसला भी तुम जनतक तौर पर लोगों की कचहरी में जाके पुछ लेना चाहिए जे इस तरीके पुछना कि बजट में सलाह दो फिर यह भी पुछना क्योंकि तुम MLA की जी मल्टीपल पेनशन हटाई बहुत अच्छा काम किया मैं वह स्वागत करता पर सिर्फ पंजाब सरकार 19 करोड़ से 53 लाख रुपया साल का बचेगा तो आटा पीस के देने आप 670 करोड़ रुपया दे देने लगे हैं मैनू तो सही मायने में डाउट है कि ये करप्शन होगी ये केजरीवाल साहब ही कहें कि बजट के स्कीमों में 20% करप्शन होंगी है जे 670 करोड़ 20% अंदाजा ला लीए
तो समझ लो 125 करोड़ रुपया साल का पंजाब दा उड जाएगा, क्योंकि 8 क्लस्टर्स बनाए ने सरकार ने, 8 जोनां विच वंडिया पंजाब नूं, जिथे हुण वड्डे बंदे टेंडर लैणगे। अक्सर एड्डी वड्डी कणक दी होणी आ आदान प्रदान होना, फिर उन्होंने पीसिया जाना, छोटे चक्कियां वाले भी मारे जाएंगे, जिहड़े पिंडां च बैठे ना निक्के चक्कियां वाले, जिहड़े इस पिंडां च लोकां नूं आटा पीस के घरां च दिंदे सीगे, उन्हां दे भी रोजगार पर असर पवेगा। डिपू होल्डर्स शायद 19,000 डिपू होल्डर्स ने 16 मई नूं धरना भी रखा चंडीगढ़ च, क्योंकि डिपू तकरीबन हर पिंड वॉकिंग डिस्टेंस से है। जदों भी ऐलान हुंदा सीगा कि कणक आ गई है, तो बड़े सोहणे लोकी जाके अपनी कणक उत्थों डिपू तों चक के लियांदे सीगे, ते हुण सरकार जिहड़ी आ कहिंदी ने असीं हर घर दे विच 5 किलो आटा देंगे, कि बहुता चंगा फैसला रहेगा, लोक हित दा फैसला रहेगा। ये किसी शरारती दिमाग ने ना उन्होंने दस्या कि तुसीं फ्री डिलीवरी की स्कीम दो, लोग इहनूं कंडेम भी नहीं करनगे, ते नाले 670 करोड़ रुपये दे विचों आपां कुछ ना कुछ बंदोबस्त भी करांगे। ये डेफिनेटली इहदा कारण इहदे पिछे नजर आउंदा। बट कमिंग बैक टू द पॉइंट कि जिहड़ियां सरकारी नौकरियां तुसीं कढ रहे हो 25,000, वह कृपा करके पंजाब दे डोमिसाइल, पंजाब दी एजुकेशन, पंजाब दी मैट्रिकुलेशन, पंजाब दी भाषा च कीती हुई पढ़ाई वाले नौजवानों नूं ही दित्तियां जाण। उम्मीद करदा कि जायज दीआं गल्लां कह रहा वां, ते जायज दीआं गल्लां नूं पंजाब दी सरकार जरूर स्वीकार करेगी। तुहाडा सारिआं दा जुड़न वास्ते बहुत बहुत शुक्रिया। अगर ठीक लगता तो शेयर करो, तो जिहड़े लोग कुछ बहुत गंदी जुबान च कॉमेंट करते हैं वह तुहाडीआं धीआं भैणां, तुहाडे माँ प्यो ही अपने देखदे, तुहाडे संस्कार ही बोलणगे। डोंट डू दैट। जे कंडेम भी करना, क्रिटिसाइज करना, अच्छे लफ्ज़ लिखो। तुहाडा सारिआं दा बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।